नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप टर्म्स के तीसरे पार्ट में मैं शिवराज पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दो पार्ट में हमने कुल मिलाकर 20 स्टार्टअप टर्म्स को एक्सप्लोर किया है। आज के इस पार्ट में और 10 स्टार्टअप टर्म्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शिवराज पाटिल, फाउंडर एंड सीईओ Arovale.com। प्री मनी वैल्यूएशन। एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिवेन्यू देखता है, उसका सेल देखता है, उसने आज तक कितना प्रॉफिट कमाया ये देखता है, उस कंपनी मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रही है ये देखता है। एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीजें देखता है और उसका वैल्यूएशन करता है। उस वैल्यूएशन को ही हम प्री मनी वैल्यूएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग पेज। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, उसका एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। और अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ हमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज चलानी पड़ती है। आपका यूजर आपके एडवर्टाइज देख कर वहाँ उस एडवर्टाइज पे आता है, उस एडवर्टाइज पे क्लिक करता है और वहाँ से जो वेब पेज पे लैंड होता है उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। और हमें इस सारी एडवर्टाइज करने के लिए एक लैंडिंग वेब पेज बनाना ही पड़ता है ताकि कस्टमर वहाँ लैंड हो जाए और वहाँ से वो सारी उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसकी रिक्वायरमेंट जो कुछ भी उसका मैसेज वो हमारे तक पहुँचा है और वहाँ से हमें इस सारी इंफॉर्मेशन, इस सारा डेटा कलेक्ट होता है और इस पेज को हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। नेक्स्ट है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यह इंडिकेटर आपके स्टार्टअप के सारे परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि स्टार्टअप में रिवेन्यू कितना होता है, सेल्स कितना होता है, कितने नए कस्टमर एक्वायर किए हैं, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर आपके क्या ग्रोथ है, ये सारे मेट्रिक्स इस KPIs में कैलकुलेट होती है। चर्न रेट, किसी भी स्टार्टअप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी कारण आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ने लगते हैं, आपके प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन छोड़ने लगते हैं, कितने कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट, सर्विस, सब्सक्रिप्शन को छोड़ा है उसे हम चर्न रेट कहते हैं। हाल ही एक फ्रेश एग्जांपल है, आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं चल रहा है, नेटफ्लिक्स से लोग चर्न हो रहे हैं और फेसबुक से भी लोग फेसबुक को छोड़ के जा रहे हैं, उसे हम चर्न रेट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल मतलब इसमें आता है B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। इस मॉडल में बिजनेस मतलब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है। अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आप किसी मीडिएटर के बिना डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेचते हो तो उसे B2C मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोट इंडिया के वेरिएबल मार्केट में बड़ा नाम है। वो अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं। वो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म है B2B बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें स्टार्टअप या कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेस को बेचती है, इसे ही हम B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाटरकार्ड। वाटरकार्ड एक वाटर जार डिलीवरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक कंपनी जो लोग वाटर जार डिलीवरी करते हैं उनका जो वाटर जार डिलीवरी मैनेजमेंट का काम है उसको मैनेज करने के लिए ये वाटरकार्ड ऐप बनाया है। वो यूज करके वो जो बिजनेस है, जो वाटर जार डिलीवरी की बिजनेस है, वो अपना बिजनेस ईजी बना लेते हैं। उसकी सारे जो ट्रांजेक्शन है वो ईजिली वहाँ ऐड कर सकते हो और अपना बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को ही हम बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। मतलब वाटर कार्ड एक बिजनेस हो गया और वाटर जार डिलीवरी भी एक बिजनेस हो गया। एक बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस को बेचा, इसी को ही हम B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है C2C बिजनेस मॉडल, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल। इसमें प्रोडक्ट को एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेचता है। इस बिजनेस मॉडल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है OLX का। OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट भी कस्टमर का होता है और उसे परचेस भी कोई कस्टमर ही करता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को या इस बिजनेस मॉडल को हम C2C बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर के लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, इसे हम
वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं। ये टर्म तो इतने कम समय में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस आप इतना समझिए कि आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लाइफ में कितना चेंज ला रहा है। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट लाए हो जिससे यूज़र का एफर्ट कम हुआ हो, टाइम सेम हुआ हो और उसे वो प्रोडक्ट यूज़ करने में कन्वीनियंट भी हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसका मतलब उस यूज़र की लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। आज के इस वीडियो की लास्ट टर्म है वैल्यूएशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। आपके स्टार्टअप की टोटल कितनी वैल्यूएशन है, कितनी कीमत है, इसको वैल्यूएशन बोलते हैं। आपको पता होगा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $60 बिलियन में खरीदा था, तो इसमें वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $16 मिलियन की। हाल ही में इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने की न्यूज दी। तो ये होता है वैल्यूएशन, मतलब इलॉन मस्क ने पूरे ट्विटर कंपनी की वैल्यूएशन की $44 बिलियन, इसी को ही वैल्यूएशन बोलते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप टर्म्स के तीसरे पार्ट में मैं यही रुकने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। मिलते हैं स्टार्टअप टर्म्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।